बाबूजी नमस्ते नमस्ते। ऑस्कर मुझसे पहले आ गया। बाबूजी नमस्ते बोल रहा है। नमस्ते। इसका तो लालच है तुम्हारे से, तुम्हें पता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबूजी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर बहुत बहुत रहेगा, हर टाइम रहेगा। गुड मॉर्निंग सबको, बोलो वेलकम वेलकम, कह दो आई लव यू, आई लव यू। तो जैसा कि आप सबको ऑलरेडी पता है कि बाबूजी 2 मई 2023 को हम सबको छोड़कर चले गए, और एक बिल्कुल रूटीन वाला दिन चल रहा था। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उनकी कोई तबीयत ख़राब थी, सडनली हुआ बहुत सब कुछ। मतलब मैं तो बहुत लकी मान रहा हूँ खुद को कि बाबूजी ने जो आखिरी सांसें ली वो मेरी गोद में ली, मेरे साथ ली। मतलब मुझे याद है कि 2 तारीख को हम लोग, मैं डेलकोट वाले घर पर था कुछ वीडियोस बनाने के लिए, तभी अचानक से मम्मी का कॉल आया कि लकी बाबूजी आए हुए हैं और तू घर पर आ जा। और मम्मी ने बोला कि बाबूजी ना बाहर ही हैं। तो मुझे बड़ा ऑड लगा सुन के कि मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि बाबूजी आके बाहर ही बैठ जाएंगे, घर के अंदर नहीं आएंगे। तो मैंने कहा मम्मी क्या हुआ, मैं आता हूँ, आप 2 मिनट वेट करो। तो मम्मी ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब है ज़्यादा। तो मुझे याद है मैं 5 मिनट में डेलकोट से अपने विला वाले घर पर पहुँचा, और उस बीच में मम्मी के 2 कॉल आ चुके थे। और उस टाइम पता है मैं व्लॉग भी बना रहा था जिसके शॉर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यार एक बहुत बैड न्यूज़ है कि बाबूजी घर पर आ गए, बैड न्यूज़ है नहीं घर पर आ गए, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। क्योंकि मैं जस्ट अपना शूट खत्म करने इधर आया था, एकदम से मम्मी का कॉल आया कि बाबूजी आए हुए हैं और उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब उनको लग रही है। तो मैं वापस घर जा रहा हूँ और उनको पिक करके सीधा हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा। और मैं व्लॉग में भी यही कह रहा था कि बाबूजी को अस्थमा भी है, शुगर भी है, तो तबीयत ख़राब होती रहती है, बस काश किसी तरह जल्दी से ठीक हो जाए वो। उनको ना ये अस्थमा की दिक्कत है बहुत ज़्यादा, तो उनकी सांस में बहुत दिक्कत हो जाती है, ठंडों में तो बहुत ज़्यादा, अभी तो खैर फिर भी गर्मियों गर्मियों रात रहेगी। और दूसरा उनका क्या शुगर की भी दिक्कत है, मतलब 3-4 दिक्कतें हैं बॉडी में यार, तो बस भगवान करे ठीक हो जाए एकदम जल्दी से। मेरे को नहीं पता था मतलब ये मेरा लास्ट मीटअप होने वाला है उनसे। तो जब मैं घर पर पहुँचा तो मैंने देखा बाबूजी जिस गाड़ी से आते थे, वो ब्लैक वाली कार से, 4-5 लोग उनको उतार रहे थे। मतलब बाबूजी तो वहाँ से सिर्फ ड्राइवर को लेकर आए थे, जो केयर टेकर बाबूजी के साथ रहता था वो बुलंदशहर में ही था। तो बाबूजी जब गाड़ी से उतर रहे थे ना, तो जितने सिक्योरिटी वाले रहते हैं घर पे, वॉचमैन वगैरह, वो सब लोग उतार रहे थे बाबूजी को। मैं जब पहुँचा तो मेरा पहला साइट ये था कि गाड़ी से उतर के खिड़की खोली, मतलब खड़े हुए थे वहाँ पे। तो मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा मैंने बाबूजी को आवाज़ दी, बाबूजी। और मैंने मतलब मैं नमस्ते बोलने का भी टाइम नहीं मिला उनको, बस मैं गया और मैंने जाके बोला बाबूजी आओ हॉस्पिटल चल रहे, क्योंकि उनकी हालत ऐसी थी। तो मैंने उनको जाते ही बोला बाबूजी हम हॉस्पिटल चल रहे हैं, अभी ठीक हो जाओगे सब। तो बाबूजी के ना ऐसे दोनों हाथ ऐसे उस पर थे, खिड़की पर थे, क्योंकि खिड़की खुली हुई थी, वो ऑलरेडी नीचे उतरे हुए थे। तो उन्होंने जैसी मेरी आवाज़ सुनी, उन्होंने मेरी तरफ़ देखा, और देख के हल्की सी बड़ी सेटिस्फेक्शन वाली जो स्माइल होती है ना, वो उन्होंने ऐसे मुस्कुराए, और सडनली वो एकदम डिसबैलेंस से हो गए, जैसे कि ना एकदम से चक्कर आ गए हों। तो खुशकिस्मती से हम करीब वहाँ पे 6-7 लोग थे उस टाइम, तो बाबूजी को गिनने तो नहीं दिया, लेकिन तुरंत उठा के मैंने बोला जल्दी से अब इनको गाड़ी में रखो, इनको सीधे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं यहाँ से। फिर बाबूजी गाड़ी में बैठे मेरे साथ, और मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर ही थे, मेरे ख्याल से मैं 100 मीटर ही बस हम चल पाए बाबूजी को लेके। और मुझे क्लियरली याद है कि उनकी सांसें चल रही थी उस टाइम तक, लेकिन मैं ना मतलब मेरी सफारी कार में वो बैठे हुए थे राइट हैंड वाली सीट पे पीछे, और मैं लेफ्ट हैंड वाली पे। तो मैं देख रहा था आराम से ना उनकी वो ऐसे आँख ना दोनों बार बार ऊपर को जा रही थी, तो मुझे बहुत डर लगने लगा कि ऐसा क्या हो रहा है, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो फिर मुझे याद है मैं गाड़ी में ना मैं उन्हें ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था कि बाबूजी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि हमारे घर से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर 2 बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, कैलाश हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल। यथार्थ हॉस्पिटल में भी बाबूजी का ट्रीटमेंट भी चल रहा था, एडमिट भी थे। तो मैं उनको ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ कि बाबूजी आप टेंशन मत लो, हम 2 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच जाएँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मुझे याद है जैसे ही मैंने ज़ोर से बोला तो बाबूजी को एकदम रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं उनके पास में हूँ। तो मैंने ऐसे गले में हाथ डाला हुआ था बाबूजी को ना, ऐसे पकड़ा हुआ था। सडनली बाबूजी ने हल्का सा जैसे जैसे रोते थे वो, हमें याद है, तो जैसे रो रहे हों इस तरीके से उन्होंने रोना स्टार्ट किया, और रोते रोते ना फिर उनका ऐसे सर ऐसे कंधे पे रख के ऊपर को कर दिया,
और उस मोमेंट पे मुझे पता चल गया था कि अब बाबूजी नहीं है। फिर लेकिन गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही थी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बाबूजी के ना से पेट पर यहाँ हाथ लगाया चेक करने के लिए कि सांसें चल रही हैं या नहीं। लेकिन गाड़ी इतनी तेज़ चल रही थी कि मतलब सब हिल डुल रहे थे, तो मतलब मुझे पता नहीं चल पाया। फिर सडनली जब मुझे लगा कि शायद सांसें नहीं चल रही क्योंकि बाबूजी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो मैंने उनको CPR देना स्टार्ट किया गाड़ी में। फिर मैंने उनको मुँह से सांस दी लेकिन वो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो आई गेस मतलब सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे जब से बाबूजी को मिला था जब तक ये सब हो गया। फिर मैंने मम्मी को कॉल करा, घर से निकले हुए मुश्किल से 1.5-2 मिनट हुए थे, और मैंने कहा मम्मी बाबूजी नहीं रहे। तो मम्मी शॉक्ड थी, मम्मी फ़ोन पर चिल्ला के कंफर्म कर रही थी कि तू पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है, तू हॉस्पिटल लेके जा, तेरे को कुछ भी नहीं पता। मैंने कहा हाँ लेकिन मैं जा रहा हूँ, आप आ जाओ, मुझे पक्का पता है कि अब कुछ है नहीं बाबूजी के अंदर। हम हॉस्पिटल लेकर पहुँचे, उन्होंने शॉक भी दिए, उन्होंने ECG करके देखा तो बिल्कुल ब्लैंक आया। तो उस मोमेंट तक मैं समझ चुका था कि अब बाबूजी नहीं है। मम्मी भी वहाँ पर आई, नीतू भी वहाँ पर आई, नीतू और मम्मी दोनों सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे। फिर दीदी पहुँची वहाँ पर, यश थाईलैंड में था, यश को इन्फॉर्म करा, फिर वो फ्लाइट लेके नेक्स्ट डे के लिए आया। और पापा और करण दोनों मुंबई में थे क्योंकि पापा की मीटिंग थी वहाँ पर, और पापा का 3 दिन मुंबई रहने का ही प्लान था। फिर पापा को इन्फॉर्म करा तो उन्होंने वापसी के टिकट्स देखे, वो भी बहुत मुश्किल से मिले क्योंकि गो फर्स्ट जो एयरलाइन है उसकी सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, तो फ्लाइट के टिकट मिलना बहुत मुश्किल था। पापा को शायद 12 बजे की फ़्लाइट मिली, वो 2 बजे रात में घर पहुँचे। नेक्स्ट डे हम लेकर गए, और बाबूजी मतलब हमेशा से बोलते थे कि ना मुझे सबसे प्यारा तू है इस दुनिया में, कि मुझे तो शांति भी तभी मिलेगी जब अर्जुन के साथ साथ तेरा भी हाथ लगेगा, जब मुझे दाग दोगे। दाग देना बोलते हैं, जब आपने मूवीज़ में देखा होगा जब किसी पर्सन की चिता को हम आग देते हैं, तो वो चीज़ भी मैंने साथ में परफॉर्म की पापा के, क्योंकि बाबूजी की ऐसी इच्छा थी कि ना मेरे लिए सबसे प्यारा लकी है और ये अर्जुन के साथ ही रहेगा। फिर सोचता हूँ यार, पता चला बाद में कि बाबूजी को एक्चुअली शायद हार्ट अटैक हुआ था, और बुलंदशहर से यहाँ आने में करीब 1 घंटा लगता है। तो बाबूजी को हार्ट अटैक हुआ, और जो उनको लेकर आए थे यहाँ पर उन्होंने बताया कि बाबूजी यहाँ आते टाइम सीधा हॉस्पिटल नहीं गए, उन्होंने सिर्फ यही बोला कि मुझे लकी से मिलना है, वो मेरे से मिलने ही आए थे। और होता है ना, मतलब इंसान को पता चल जाता है अंदर से कि टाइम आ गया अब, तो मे बी उनकी ये लास्ट विश थी कि वो मुझे देखें एक बार, मतलब जिस टाइम वो मोमेंट आए दुनिया को छोड़ने वाला, वो मतलब मेरे साथ रहना चाहते थे उस टाइम। क्योंकि जो उनको लेकर आया वो भी कह रहा था कि पूरे रास्ते कुछ भी नहीं बोले, और मुझे तो लग रहा था रास्ते के बीच में शायद कुछ हो गया है इनको। मुझे भी याद आ रहा है कि हम अपने घर का CCTV एक्चुअली लगा हुआ है, तो मैं वो भी निकलवाऊंगा क्योंकि वो लास्ट रिकॉर्डिंग है बाबूजी की, किस तरीके से वो मेरा वेट कर रहे थे वहाँ पर। और ऐसा लग रहा है कि बस ना वो मतलब रुके हुए थे, जैसे बोला हुआ हो कि 1 मिनट बस, मतलब जाने से पहले ना मैं उसको देख के जाऊँगा। मेरे जाते ही बस मैंने तो उनकी आँख भी खुली हुई नहीं देखी, क्योंकि मैं जब तक घर पहुँचा, जब तक वो ऐसे दरवाजे पे खड़े थे ना, तो ऐसे आँखें बंद सी थी उनकी, बस उन्होंने मेरी तरफ देखा था हल्का सा, मेरे को याद है, या खुली भी थी या नहीं, यार देखो मेरे को एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा था, बस हल्की स्माइल तो की थी मेरे को, वो तो याद है। और गाड़ी में भी फिर उनकी जब आँखें वो बेहोश हो गए थे, फिर गाड़ी में भी जब हमने उनको बिठाया था ना, तो जब मैं उनको कह रहा था बाबूजी हम पहुँचने वाले हैं, तो उनको ना आवाज़ से ऐसे कन्फर्म हो गया कि हाँ अब मैं उनके साथ हूँ। तो मे बी एक वो पीस फैक्टर उनके पास आ गया कि मैं जो चाहता था वो हो गया, अब ये मेरे पास में है। और फिर ऐसे मेरी ऐसे मतलब सर रख के मैंने उनको बिठाया हुआ था, वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मैं अकेला था यार, मेरे लिए मतलब पहला ऐसा एक्सपीरियंस था, मुझे तो यकीन भी नहीं हुआ। मैं पहले सोचता था कि अगर कभी किसी को कुछ हुआ तो मैं और यश दोनों CPR देना सीखते रहते थे नेट पर देख देख के, कि कभी फैमिली में किसी को कुछ भी हुआ तो हम CPR देके बचा लेंगे। लेकिन कुछ नहीं हो पाता यार, मैंने वे सारी कोशिशें की, सांस भी दी, टाइम आ गया था शायद, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे उस टाइम तक। पर मैं बहुत लकी मानता हूँ कि बाबूजी ने ज़िंदगी भर इतना प्यार दिया,
और एंड मोमेंट पर जो मतलब छोड़ के जाने वाला मोमेंट था वो भी मेरे साथ में रहे। बहुत से लोग पूछ रहे हैं दादा आपके साथ क्यों नहीं रहते थे यार। दादा मेरे हमारे जो गांव में ना बहुत जो खेती बाड़ी है उनको उसी में मन लगता था, उनका यहाँ मन ही नहीं लगता था। उनको कितनी बार मैं ज़बरदस्ती ले लेकर आ गया, उनको दो दो महीने मतलब रुकवाने की कोशिश की, वो नहीं रुकते थे। उनका कहना था कि तुम लोग पिंजरे में रहते हो, वो हमें पिंजरे का पक्षी कहते थे। उनका कहना था ये कोई जगह है रहने की, बंद कमरे में रहते हो, तुम आओ गाँव में रहो। जो आप व्लॉग में भी घर देखते हैं ना उनका, हमारे गाँव के बहुत नज़दीक है। उनका मन लगता था, सुबह सुबह खेतों पर पहुँच जाते थे, पूरे दिन वहाँ बैठना, उनके उन्हीं की एज के बहुत सारे यार दोस्त थे उनमें बैठना। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी वो एंड मोमेंट में मेरे पास आए, मतलब उन्होंने प्राण त्यागने वाला मोमेंट मुझे इस काबिल समझा कि मतलब मेरी मेरी गोद में ही सर रख के उन्होंने उस मोमेंट को मेरे से मेरे साथ रहकर और वो चले गए वहाँ से। बाकी यार इतनी सारी मेमोरीज हैं बाबूजी के साथ। मुझे याद है जब हम लोग बहुत छोटे थे ना, मैं और दीदी, मतलब जब से मैंने होश संभाला तो पापा राजस्थान जाते थे क्योंकि पापा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेते थे वहाँ पे BSNL के। तो घर पर मम्मी तो कहीं लेके जा नहीं सकती थी हमको, बाबूजी ज़रूर घुमाते थे। मतलब जो बचपन की जितनी यादें हैं ना, जितनी फेडेड मेमोरीज हैं मेरी, वो मोस्टली बाबूजी के साथ है। मेरे इसलिए इनसे बहुत अटैचमेंट रहा शुरू से, क्योंकि मैं याद करता हूँ कि हर फ्राइडे को ना हमारे घर के पास एक जगह है शिवम लॉज बुलंदशहर में, वहाँ पर एक फास्ट फूड कॉर्नर था। तो मैं और दीदी जब बहुत छोटे थे बाबूजी हर फ्राइडे ले जाते थे, मैं उधर डोसा खाता था, दीदी उधर चाउमीन खाती थी। मतलब रूटीन बनाया हुआ था क्योंकि बाबूजी को पता था कि अर्जुन बहार है, इन बच्चों का ही मन करता होगा घूमने का। उनका स्कूटर था LML का, मुझे आगे बिठा लेते थे, एक छोटी सीट बनवाई हुई थी, दीदी पीछे बैठ जाती थी और बहुत घुमाते थे। मुझे याद है एक बार मेरे टीचर ने मेरे को बहुत पीटा था, तो बाबूजी उनसे लड़ने पहुंच गए थे और पता नहीं क्या 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 आए थे। मतलब जनरली ऐसा है कि मेरे मम्मी पापा अगर टीचर वीचर हमको डांटते थे या पीटते थे ना, तो कुछ नहीं कहते थे और उल्टा हमें ही डांटते थे कि तुम्हारी गलती हुई होगी। एक बाबूजी इकलौते थे जिनके लिए हम हमेशा ठीक होते थे। बाबूजी खुद को धृतराष्ट्र कहते थे कि मैं तो धृतराष्ट्र हूँ, मेरे लिए तो सबसे अच्छे मेरे बच्चे हैं। अब तुम धृतराष्ट्र बनते जा रहे हो। प्यार से। अच्छा जी, मैं बाबूजी की अपनी हूँ ना। और उनकी एक हमेशा से ये थी कि यार मुझे एक बार, मतलब उनको ना डर लगता था फ्लाइट से। मैं यार हमेशा से सपना था कि बाबूजी को एक बार तो मैं फ्लाइट में बिठा के ले जाऊँगा। और मैं थैंकफुल हूँ भगवान का कि कम से कम टाइम रहते मैं अपना ये सपना पूरा कर पाया कि बाबूजी को फ्लाइट में ले जाना। क्योंकि ना उनके आसपास जो लोग रहते थे उनको किस्से सुनाते रहते थे, बाबूजी को फ्लाइट से डर लगता था। बाबूजी कहते थे कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं वो फ्लाइट में नहीं जाते, फ्लाइट में हार्ट अटैक आ जाता है। तो मैं बहुत हंसता था सुन के। तो मैंने, आपने देखा अभी अभी मेरे ख्याल से 4-5 महीने पुरानी बात है, मैंने अपना सपना पूरा करा, उनको पहली बार फ्लाइट में ले जाकर उनको काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करा कर आया, तो बहुत अच्छा लगा। और आज भी जब ये वीडियो बना रहे हम, तो आज मतलब लग ही नहीं रहा कि है ही नहीं बाबूजी। उनका खाना सुबह हम रखने जाते हैं, 13 दिन तक हम लोग, मैं कहीं जा नहीं सकता मैं और पापा। मतलब लग रहा है अभी भी बाबूजी हैं, ऊपर से इतनी सारी वीडियोस, इतनी सारी एडिट्स जो फैन पेजेस हैं वो और बाकी लोग बना बना के भेज रहे हैं, तो वो देख देख के ना मैं दोबारा जी रहा हूँ उन मोमेंट्स को। कभी कभी लगता है सपना चल रहा है कोई, अभी उठ जाऊँगा सपने से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ यह है कि कोई रिग्रेट नहीं है। जो जो चीज़ें सोची थी ना कि दादा के साथ इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, सब करा और दादा ने वो सब दिया जो मैं उम्मीद कर सकता था बाबूजी से। बाबूजी ना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते थे, मतलब उनका क्या था कि कोई चीज़ है पैसे खर्च नहीं करने, पैसे बचा लूँ उसमें और सेव करूँ। तो मैं बाबूजी से बोलता था, बाबूजी किसके लिए सेविंग करते हो यार तुम। मतलब मेरा ये था कि बाबूजी का ना एक भी पैसा खर्च ना हो, मैं सारे पेमेंट खुद करता था। बाबूजी को बोला हुआ था आप कहीं भी जाओ, आप मुझे, आप खूब घूमो, जहाँ से पेट्रोल डलवाते हो मेरे को वहाँ का पेटीएम स्क्रीनशॉट कर दिया करो, कहीं कुछ जा रहे हो खरीदो और मेरे को स्क्रीनशॉट कर दिया करो, मैं पेमेंट कर दिया करूँगा। तो नीतू को भी इनफैक्ट अब तो फ़ोन करके, मतलब इतना हक समझते थे कि अब तो
ऐसे फ़ोन पे पेमेंट कराने लगे थे, मतलब हम लोग चाहते थे कि उनका पैसा खर्च, क्योंकि वो ना बड़े बड़े ऐसे थे कि उनको पैसा खर्च नहीं करना होता था, तो हम चाहते कि अपनी लाइफ फुल जिए, उनको जहाँ घूमने का मन है, चार धाम जाने का मन है, वो वहाँ पर जाएँ, सब कुछ करें और उनको पैसों की टेंशन ना हो। जबकि ऐसा नहीं, मतलब पापा भी उनको यही बोलते बोलते थक गए, लेकिन पापा की बात नहीं सुनते थे, मेरी बात सबसे ज़्यादा सुनते थे वो। तो ये रिग्रेट नहीं है कि यार दादा के लिए कुछ करा नहीं, मतलब जितना बेस्ट हो सकता था ना मैंने वो सब किया अपने दादा के लिए। इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज बाबा ने दी, बाबूजी ने। लास्ट टाइम भी जब आए उस ब्लॉग में, आपने देखा कैसे नीतू को शगुन देकर गए थे। सबसे अच्छी चीज़ मेरी शादी देख कर गए यार, और आशीर्वाद देकर गए शादी पर, और नीतू से कितना लगाव था उनको। मेरे ख्याल से नीतू और बाबूजी का बॉन्ड पिछले 2 साल से है, जब से नीतू घर में आती जाती है। शादी से पहले से भी जानते थे नीतू को, बहुत खुश रहते थे। फिर मुझसे कहते थे पहले मेरा सबसे फेवरेट तू था और अब मेरी सबसे फेवरेट नीतू हो गई है। फिर मैंने कहा बाबूजी तुमने तो यार नाइंसाफी कर दी, सबसे फेवरेट तो मैं हूँ तुम्हारा। बोलते हैं अरे, फिर मेरा दिल बहलाने लगा था, अरे पागल ये और तू कोई अलग अलग थोड़ी हो। तो मैंने कहा तो फिर नंबर वन मुझे बोलो। बोलते नहीं, नंबर वन वो है। तो इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा कि नीतू ने उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, जब भी इधर आए बहुत खुश रहे। मतलब वो सबसे अच्छी चीज़ है कि एक फाइनल मोमेंट पे ना एक सेटिस्फेक्शन था कि यार अपनी तरफ से जो बेस्ट था ना वो हमने करा, और बाबूजी की तरफ से जो बेस्ट था वो बाबूजी ने मेरे लिए करा। तो अभी मतलब फ़िलहाल आप लोग देख ही रहे हो कि अभी कुछ वीडियोस वगैरह हम लोग नहीं डाल रहे यार। ऐसा नहीं है कि है नहीं, मतलब फेसबुक पे तो शेड्यूल्ड थी हमारी, अगले 10 दिन के लिए भी शेड्यूल्ड है, वहाँ पे बैकअप बहुत सारा बना हुआ था। यहाँ पर भी आपको पता है व्लॉग्स 6 दिन पीछे चलते हैं हमारे, मतलब हमारे पास डेटा काफ़ी था, बस थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए मैंने बोला। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप तक पहुँचानी है, आप थोड़ा वेट करना। बाकी प्रे करना प्लीज़ कि बाबूजी की आत्मा को शांति मिले और उनको अगला जन्म बहुत बहुत अच्छा मिले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे घर में मिले। और मैं तो चाहता हूँ हमारे घर में मिले, हमारे आसपास ही बाबूजी दोबारा से आए। बाकी आप लोग प्रे करना ज़रूर शांति के लिए उनकी आत्मा की, सब अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और एक चीज़ और आपको शेयर करनी है कि 12 तारीख को, 12 मई को हमारे बुलंदशहर वाले गांव के पास हमने बाबूजी का 13वीं वाला प्रोग्राम रखा है। तो आप सब, क्योंकि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, सबको इनवाइट कर रहा हूँ मैं। आप में से जो भी लोग आना चाहें, जिनका आना पॉसिबल है, प्लीज़ आना, बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलके। और ऐसा नहीं है, उस दिन भी लोग बहुत सारे पहुँचे जो हमारे YouTube Facebook पर देखते हैं वीडियोस, उनको जब पता लगा। तो लोकेशन मैं शेयर कर दूंगा आप सबके साथ। बाकी 12 तारीख में जो भी आना चाहें ज़रूर आइएगा, और प्रे करना, आशीर्वाद बनाए रहना हमारे पर। थैंक यू। लाओ कुछ पैसे दो, मैं कुछ खा के आऊंगा। लाओ इसमें तो पूरे में दवाई दवाई है यार, पैसे कहाँ हैं? निकाल निकाल पूरा तुम्हारी, इतने सारे नसीब भाई, इतना मैं खाता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बीच बाबूजी नहीं रहे, उनका देहांत, उनका देहांत हो चुका है 2 मई को। अच्छी बात यह है कि बाबूजी सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करते थे, बाबूजी ने अपनी आखिरी सांसें उन्हीं के सामने ली, साथ ली लखन के। क्योंकि जब बाबूजी बुलंदशहर से यहाँ पर आए डॉक्टर को दिखाने के लिए, बाबूजी मॉर्निंग से ठीक फील नहीं कर रहे थे, तो बाबूजी जब बाबूजी बुलंदशहर से यहाँ आए विला में नोएडा, तो बाबूजी गाड़ी से उतरे नहीं कि हम मॉम को ऊपर लगा कि क्या हो गया, बाबूजी उतर क्यों नहीं रहे कार से। तो जो मेड्स हैं, हाउस हेल्पर हैं, उन्होंने बोला कि बाबूजी की तबीयत ख़राब है, और वो लखन लखन आवाज़ दे रहे हैं, लकी लकी। उनका कोई और वर्ड नहीं था, क्योंकि जब वो आते थे तो वो हमेशा बोलते थे कि बहू कहाँ हैं, नीतू कहाँ हैं, पाई कहाँ हैं, ऐसे ऐसे वो बोलते थे। बट उस दिन बाबूजी ने सिर्फ लकी लकी आवाज़ दी। बाबूजी के पास पानी लेकर गए बहादुर भैया कि बाबूजी पानी पी लो, बाहर आ जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, और उन्होंने पानी भी पिया, हमारे पास अभी वो ग्लास है। बाबूजी ने आधा ग्लास पानी पिया और दे दिया, और बोले लकी को बुलाओ जल्दी, लकी को बुलाओ। तब वो बिल्कुल नॉर्मल थे, ठीक थे। बताया जा रहा है उनके चेस्ट में पेन था, तो लखन को आवाज़ दी, तो मॉम सो रही थी, मॉम उठी और मॉम ने बोला कि क्या हो गया। तो
दीदी ऊपर गई, हाउस हेल्पर ऊपर गई और उन्होंने बोला कि बाबूजी ना सिर्फ लकी भैया को आवाज़ दे रहे हैं, तो आप उनको कॉल करके बुलाओ। तो मॉम ने लखन को कॉल किया और फिर लखन ने बोला अरे कार से क्यों नहीं उतरा, क्या हो गया? लखन को लगा कि तबीयत ख़राब है या फिर किसी बात पर गुस्सा हो गया। तो वो लखन जल्दी, हम लोग एक्चुअली शूट कर रहे थे यहाँ पर, तो लखन जल्दी से भागे और जल्दी से भाग के जैसे ही लखन वहाँ पर गए तब भी बाबूजी बोलते अरे कहाँ रह गया लकी, कहाँ रह गया। मतलब बाबूजी ने वहाँ पर, बाबूजी पाँच से सात मिनट रुके होंगे और 7 मिनट तक सिर्फ बाबूजी की ज़ुबान पर नाम था लकी लकी। सबने नमस्ते बोला बाबूजी को, हेलो हाय बोला, मगर बाबूजी ने किसी का रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ बोला लकी से मिलवा दो मुझे, मुझे लकी से मिलना है। तो जब मॉम ने बोला कि लखन तेरा नाम ले रहे हैं प्लीज़ जल्दी आ जा, तो ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया, तो लखन भाग कर गए। तो जैसे ही लखन वहाँ पहुँचे और लखन ने देखा बाबूजी को, लखन आगे बढ़े तो एकदम से बाबूजी ने लखन को देखा और वहीं पर बैंड हो गए, वहीं पर हल्का सा गिर गए और एकदम से जितने भी गार्ड्स थे सब ने लखन को पकड़ लिया और ऐसा लगा कि क्या हो गया, एकदम से कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर लखन ने बहुत ही वैसा, बाबूजी कुछ नहीं होता, मैं डॉक्टर के पास लेके चलूँगा, कुछ नहीं होता। तो जल्दी से गाड़ी में बिठाया बाबूजी ने, बाबूजी को लखन ने, और डॉक्टर के पास जैसे ही लेकर गए 50-70 मीटर पर ही गाड़ी स्पीड में भाग रही थी, तो मतलब इतनी दूरी पर ही बाबूजी को ना सांस फूलने लगा, लाइक उनको हार्ट अटैक टाइप आने लगा और लखन बहुत ज़्यादा डर गए थे। बाबूजी की आंखें ऊपर जा रही थी, बाबूजी सांस नहीं ले पा रहे थे। फिर लखन ने बोला कुछ नहीं होगा बाबूजी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। फिर क्या था, बाबूजी ने ना, बाबूजी कुछ बोलना भी चाहते थे लखन से मगर वो बोल नहीं पाए। वो बोलना चाहते थे कुछ, की पता नहीं क्या बोलना चाहते थे, बट वो सांस लेते लेते उनका वहीं पर दम निकल गया। वो वहीं पर 3 बजे के आसपास उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, मगर लखन यहाँ पर थे तो बाबूजी ने ऐसे करके लखन के ही चेस्ट पर अपना अपनी आखिरी सांस ली। तो जैसे ही आखिरी सांस ली ना, वैसे ही लखन ने मॉम को कॉल किया। पहले तो लखन ने बहुत CPR दिया, बहुत सारी चीज़ें करी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो लखन को लगा डॉक्टर के पास जाकर ही होगा क्योंकि बाबूजी को सांस की बहुत प्रॉब्लम थी। फिर लखन ने मॉम को फ़ोन किया, मॉम चिल्लाने लगी, मॉम ने बोला नहीं नहीं डॉक्टर के पास लेके जा। फिर लखन ने मुझे बहुत रोते हुए कॉल किया कि नहीं तो डॉक्टर के पास जल्दी आ जा, बाबूजी ने ना मेरे सामने ही मेरे चेस्ट पर ही अपना दम तोड़ दिया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है, मैं डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। मतलब बिल्कुल ऑल ऑफ सडन जो भी चीज़ हुई वो अभी तक ना मुझे याद है कि लखन की वो आवाज़ में इतना पेन था। तो फिर मैं भागती हुई मैं पहुँची, वहाँ पर मॉम थी ऑलरेडी और लखन थे, बाकी और कोई नहीं था क्योंकि कोई था ही नहीं, सब इधर उधर थे। मैं जैसे ही पहुँची मैंने देखा बाबूजी को शॉक दिए जा रहे थे एंड आई वॉज सो सरप्राइज कि बाबूजी ना थोड़ा सा भी मूव नहीं कर रहे थे। तो लखन बहुत ज़्यादा रो रहे थे, लखन मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं लखन को संभालूँ, बाबूजी को देखूँ या मैं खुद रोऊँ। और लखन मॉम अलग से रो रहे हैं, मॉम के पास कॉल्स आ रही हैं, डॉक्टर ने पहले बोल दिया था कि लाइंस आ रही हैं स्टार्टिंग में, और जब सेकंड टाइम डॉक्टर ने चेक किया, सेकंड टाइम शॉट्स दिए, तो मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं वहीं पर खड़ी थी और मैं वो सब चीज़ें देख रही थी अपनी आँखों के सामने से, थोड़ा कर्टन हटा के, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि बाबूजी को कुछ नहीं हुआ, बाबूजी बच जाएंगे। और मैं भगवान से प्रे कर रही थी प्लीज़ भगवान, प्लीज़ आप इनको बचा लेना, चाहे आप, मैं आपके पास आऊँगी, मैं आपसे प्रे करूँगी, और मैं मैं ऐसी विशेज़ होती है, तो मैंने ये सब बोल रही थी वहाँ पर मन मन में, भगवान प्लीज़ बाबूजी को बचा लेना। बट जैसे डॉक्टर बाहर निकली ना, तो सब आ रहे डॉक्टर बाहर निकले, मुझे लगा कि बोलने आ रहे, भी थोड़ा इनको टाइम दो, तुम लोग बाहर चले जाओ। फिर उन्होंने मॉम को बोला कि किसी को बुलाओ, मॉम आई तो उन्होंने मॉम को बोला कि इज़ नो मोर, हमने इनको बहुत शॉक दे दिए हैं, ये कोई मूव नहीं कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अब ये नहीं रहे हैं हमारे बीच, तो बस आप अपने गेस्ट को बुलाओ और इनकी बॉडी लेकर चले जाओ। तो मतलब मैं बाबूजी को देख रही हूँ और मैं इतना रो रही हूँ मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। बट एट द सेम टाइम लखन बिल्कुल कहीं पर खो गए थे, मुझे नहीं पता लखन कहाँ पर थे, किस हालत में थे, क्योंकि लखन की आंखों में से एक आंसू नहीं आ रहा था, तो मुझे उस चीज़ की और टेंशन हो गई कि क्या हो रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप रो नहीं रहे हो तो आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, वो चीज़ भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैंने ट्राई किया कि लखन रोए, तो मैंने बाबूजी की थोड़ी बातें याद दिलाई कि बाबूजी अब सुबह, क्योंकि बाबूजी मुझे सुबह लखन को भी नहीं करते थे मेरे आने के बाद, मुझे सबसे पहले सुबह 6 बजे कॉल करते थे, क्योंकि उनको पता था मैं 5-5:30 बजे उठ जाती थी, तो 6 बजे मुझे कॉल करते थे, 7 बजे मुझे कॉल करते थे कि लकी से बात करा, तू क्या कर रही है, ये सब। तो मैं लखन को याद दिलाते लखन अब हमें कोई कॉल नहीं करेगा, प्लीज़ लखन रो, क्योंकि ये चीज़ है कि आदमी सोचता है और बहुत डीप थाट में चला जाता है, तो मैं ये नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी बस लखन की आँखों में से आँसू आए। फिर ठीक हुआ कि लखन की आँखों में से आँसू आए, हम बॉडी को नेक्स्ट डे हमें बॉडी मिली, फिर हम घर गए और सारे गेस्ट आए। बट जो हमारी बुआ जी हैं बाबूजी की इकलौती बेटी, उनको संभालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सिर्फ बाबूजी थे, उनके पापा ही थे और कोई नहीं था,
मम्मी पहले से ही नहीं थी, तो वो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो गया घर आकर। मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था एकदम से ये हुआ क्या। सब कुछ ठीक था, मॉर्निंग तक सब कुछ ठीक था। दो दिन पहले बाबूजी से बात हुई थी लखन की, और कुछ लोगों ने बुलंदशहर में बाबूजी को स्कूटी पर देखा था लास्ट नाइट, बाबूजी आराम से टहल रहे थे, सब कुछ ठीक था। एकदम से ये हुआ क्या, हमें ये नहीं समझ आ रहा था। फिर मुझे तो तब भी ये उम्मीद थी कि नहीं बाबूजी ना उठेंगे। जब बाबूजी का फेस कवर किया और बाबूजी को जिप रैप किया ना, तो मुझे लगा था बाबूजी बोलेंगे छोड़ो मुझे, खोलो, मेरा दम घुट रहा है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और अनफॉर्चुनेटली बाबूजी हमें छोड़ के चले गए। और मतलब मैंने ना फर्स्ट टाइम किसी की ऐसी बॉडी देखी थी, मतलब पापा के जाने के बाद। पापा के टाइम पर तो मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी, और मेरे को बाबूजी की बहुत याद आ रही थी। मतलब वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझसे ही नहीं, मेरी मम्मी से ही बहुत प्यार करते थे। जब भी मेरी बात होती थी वो हमेशा ही पूछते थे कि मम्मी ठीक है, मम्मी क्या कर रही हैं। मतलब इतने, एक तो वो बहुत रियल थे, उनके जो मन में होता था वो उनके ज़ुबान पर रहता था, वो बहुत रियल थे, और मतलब बहुत अच्छे थे। मैं आज भी बाबूजी को बहुत मिस करती हूँ, और मैं प्रे करूँगी कि बाबूजी हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और इसी तरह हमें प्यार करते रहें ऊपर से भी। बस अब लखन को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। आज बाबूजी को गए हुए 4 दिन हो चुके हैं। 2 दिन तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था कि लखन किससे बात भी कैसे करूं, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। लखन बिल्कुल ऐसे थे कि कुछ सोचूं क्या, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था किसी सोच में चले गए हैं, और मैं कैसे लखन को संभालूं। बट थैंकफुली एक ऐसा टाइम आया जब लखन को लगा, क्योंकि मॉम की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी बाबूजी के बारे में सोच सोच के, और लखन के साथ भी यही हाल था, बुआ जी के साथ भी। फिर पाई आए रात में 9 बजे, उनके साथ भी यही हाल था। सब ये चारों को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एनी हाउ हम लोगों ने इनको संभाला, और अब भगवान की कृपा से ठीक है ये चारों। बट मैं यही प्रे करूँगी कि ऐसे भगवान किसी के साथ ना करें, क्योंकि एकदम से जो होता है ना उस पर उसको लेकर ज़्यादा पेन होता है, उसको देख कर ज़्यादा पेन होता है। क्योंकि इतने टाइम से बाबूजी बिल्कुल ठीक थे, और एकदम से हुआ, हम भी एक शॉक में हैं। हम भी, हमें ही समझ आ रहा कि, मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है नहीं बाबूजी आएंगे, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है। तो बस लखन को मैंने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि लखन ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे। और मुझे सिर्फ एक चीज़ की खुशी है कि बाबूजी सबसे ज़्यादा लखन से प्यार करते थे, सबसे ज़्यादा। पाई से ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, लेकिन बाबूजी का प्यार लखन के लिए बहुत ही ज़्यादा था। और बाबूजी हमेशा ही बोलते थे कि तू मेरा फेवरेट है, तू मेरे लिए नंबर वन है। हर टाइम लखन को कॉल करते थे, और मतलब बाबूजी ने अपनी जो आखिरी सांस ली लखन के साथ ली, उसके लिए मैं, उसको देखकर मैं ज़्यादा खुश हूँ। बस मेरे लिए दुख की चीज़ ये है कि मैं बाबूजी से लास्ट टाइम बात नहीं कर पाई, और बाबूजी से मिल नहीं पाई, बाबूजी ने मुझे देखा नहीं। क्योंकि जिस तरह बाबूजी मुझे नमस्ते करते थे जब मैं बोलती थी 2 बारी नमस्ते का, और वो इस स्माइल के साथ, वो चीज़ मैं बहुत हमेशा मिस करूँगी हमेशा। उनका सुबह 6 बजे कॉल करना, 6 से 10-15 मिनट बात करना, फिर 7 बजे दोबारा कॉल करना, लकी उठा कि नहीं उठा, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे पेटीएम कर, मेरे को दवाई लेनी है, ये सब, और सारी चीज़ें मैं याद करूँगी। और बस यार अब अपने दादाजी, अपनी दादी, मम्मी पापा, सबका ध्यान रखो, क्योंकि एक बार इंसान जाता है तो वो दोबारा नहीं आता। हमारे साथ भी ऐसा ही है, बस उनकी सेवा करो जितनी हो सके। हमने बहुत सेवा करी अपनी दादाजी की, इनफैक्ट मैंने अपनी दादी की भी बहुत सेवा की है। अच्छा लगता है कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने उनको कुछ, हम जैसे होते हैं ना आज, पता नहीं कैसे होते हैं लोग कि अपने दादा दादी से, दादा दादी को दूर रखते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ की खुशी है, मुझे और लखन को, कि हमने उनको बहुत प्यार से रखा। लखन ने अपने दादाजी को, हमारे दादाजी को बहुत प्यार से रखा, मैंने अपनी दादी जी को बहुत प्यार से रखा, उनकी एंड टाइम तक सेवा करी, और लखन ने भी ऐसे किया, मैंने भी ऐसे किया। तो बस इस चीज़ की खुशी है, बाकी तो सब आपका आशीर्वाद है। बस प्रे करो कि ये जल्दी हम हील करें, और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो। थैंक यू।